नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल MP डेरी वाला में। मैं आपका दोस्त होस्ट दीपक आपका स्वागत करता हूँ। जैसा कि आप लोग टाइटल में देख रहे हैं, पशु को हीट में लाने का उपाय 100%। जी हाँ, यही टॉपिक मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ। मेरे किसान भाई बहुत परेशान रहते हैं, उनकी गाय या भैंस पिछले 3 महीने से, 5 महीने से, 6 महीने से, 8 महीने से हीट पर नहीं आई है, जिसके कारण उन्हें बहुत ज़्यादा आर्थिक नुकसान उठाना पड़ता है। इसीलिए ये समस्या का निदान लेके मैं आपको सारी चीज़ें बताऊंगा कि कैसे आपका पशु हीट में आएगा, वो भी 100% गारंटी के साथ। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम लोग ये जान लेते हैं कि कोई पशु हीट में क्यों नहीं आता है। उसके बहुत से कारण हो सकते हैं, जिनमें से मुख्य कारण इस प्रकार है। पहला, समय पर पशुओं की डिवॉर्मिंग ना होना। अमूमन समय पर डिवॉर्मिंग का मतलब होता है कम से कम 3 माह में एक बार सही तरीके से डिवॉर्मिंग करवाना ज़रूरी है, यानी कि 1 साल में एक पशु की कम से कम 4 बार डिवॉर्मिंग अत्यावश्यक है, चाहे वो गाभिन हो अन्यथा गाभिन ना हो। दूसरा, मिनरल और विटामिन की कमी। मिनरल पशु के लिए अत्यंत आवश्यक है और हीट में आने के लिए मिनरल अपना बहुत बड़ा रोल अदा करते हैं। असंतुलित आहार। आहार में संतुलन है या नहीं, जो हम आहार दे रहे हैं ये उसमें जिस प्रकार उनको ज़रूरत है क्या हम वो दे पा रहे हैं या नहीं, इससे बहुत कुछ डिपेंड करता है कि आपका पशु हीट में आएगा या नहीं। चौथा कारण होता है इन्फेक्शन। गाय जनने के पश्चात साफ सफाई का अभाव या फिर रखरखाव के समय साफ सफाई के अभाव के कारण गायों में इन्फेक्शन, वेजाइनल इन्फेक्शन हो जाता है। इस वेजाइनल इन्फेक्शन के कारण कई बार पशु हीट में नहीं आ पाता है। आखिरी एक कारण ये है कि पशु हीट में तो आता है, मगर पशुपालक भाई उसकी साइलेंट हीट का पता नहीं कर पाते हैं, या साइलेंट हीट ऐसी होती है कि पता कर भी नहीं पा सकते हैं। इस सारी परेशानियों से हम लोग कैसे निजात पा सकते हैं, या हीट में पशु को कैसे लाया जाए, आइए हम लोग इस पर बात करते हैं। जी हाँ, उपाय में हम लोग शुरू करते हैं तो सबसे पहले आपके पशु को, चाहे वो किसी भी स्टेज में हो, आपको उसकी डिवॉर्मिंग करवाना अनिवार्य है। अगर गाय को खाली है और वो प्रेग्नेंट नहीं है, उसको आप हीट में लाना चाह रहे हैं, तो इसके लिए एल्बेंडाजोल सॉल्ट होता है। आपके स्क्रीन पे 2 दवाएं दिखाई गई है, इन 2 दवाओं में एल्बेंडाजोल सॉल्ट दोनों में पाया जाता है, इसीलिए इसका उपयोग एल्बेंडाजोल, जिसका नाम बेंडिकाइन प्लस है, आपको बड़ी आसानी से किसी भी दुकान पर मिल जाएगी। दूसरी है वीरबैग की आयुर्वेक्टिन टैबलेट हाईटेक, ये भी आपको बड़ी आसानी से किसी भी जगह मिल जाएगी। इन दोनों में से किसी भी एक टैबलेट को आप अपनी गाय को देख के उसके डिवॉर्मिंग करवा सकते हैं। इसके बाद बात करते हैं मिनरल मिक्सचर की। मिनरल मिक्सचर अत्यंत आवश्यक है पशु को अपनी दिनचर्या, अच्छा दूध देने के लिए, अच्छा बॉडी मेंटेन करने के लिए, तो आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है, आपको मिनरल मिक्सचर 100 ग्राम प्रतिदिन अपने पशु को देना ही पड़ेगा। आपके पास में 2 ऑप्शन है, जिसमें एक है चिलेटेड रेनमिक्स शक्ति, ये हीट में लाने में बहुत सहायक मिनरल मिक्सचर है, और इसी प्रकार एक और वीरबैकर चिलेटेड एग्रीमेंट फोर्ड। ध्यान रखिए, चिलेटेड मिनरल मिक्सचर ही आप अपने पशु को दें। और विटामिन की भरपूर्ति करने के लिए आपको पर्याप्त हरा चारा और साइलेज, हरा चारा हो तो हरा चारा दे दीजिए, अगर हरा चारा नहीं है तो साइलेज की व्यवस्था करिए। इनकी अत्यंत आवश्यकता है अगर आप अपने डेयरी को आगे बढ़ाना चाहते हैं तो। अब हम बात करते हैं उपचार की। ये आपने मिनरल मिक्सचर और डिवॉर्मिंग करने के पश्चात अगर पशु हीट में नहीं आ रहा है, तो सबसे पहले आप उसको टैबलेट देंगे। आपके स्क्रीन पे आप देख रहे हैं नीले कलर के डब्बे में एक किट है, जिसका नाम है ओवलोंटा किट, मैनकाइंड की आती है। इसके अंदर 5 पत्ता होते हैं दवाइयों के, एक पत्ते में 3 गोलियां होती है। 3 गोली में एक छोटी गोली होती है और 2 बड़ी गोली होती है, तो एक पत्ता रोज जिसमें 3 गोली होगी, उसे आपको एक छोटी गोली जो है सफ़ेद वाली पहले देनी है, और उसके 20-25 मिनट बाद नीली गोली जो बड़ी है वो आपको देनी है, और ये आपको लगातार 5 दिनों तक ये देते रहना है। अगर
गाय को ओलोंटा किट के 5 दिन का कोर्स कंप्लीट होने के बाद भी अगर गाय हीट में नहीं आ पाती है तो आपको 5 दिन और इंतज़ार करना है। अगर पूरे 10 दिन बाद अगर गाय हीट में नहीं आती है तो आप अपने वेटरनरी डॉक्टर को बुलवा के सामने जो स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहे हैं ये 2 इंजेक्शन साथ में लगवा सकते हैं, जिसमें पहले इंजेक्शन का नाम है वेटमेट कारगिल कंपनी का और दूसरा है वीटेट। ये जो कारगिल कंपनी का वेटमेट इंजेक्शन है इसका सिंगल डोज एक बार में 2 ml पूरा रखता है, वो भी IM रूट से। इसके साथ में इसके अच्छे रिजल्ट पाने के लिए आप वेटमेट के साथ में 10 ml वीटेट इंजेक्शन को आप जरूर लगाइए, जो कि आपकी गाय में किसी भी प्रकार की विटामिन की कमी को बैलेंस करेगा और इसकी डोज होगी 10 ml एक बार IM रूट से। उम्मीद है कि ये चीज़ें करने के बाद में आपका पशु हीट पे आ जाएगा। अगर इसके बावजूद आपका पशु 11 दिन का इंतज़ार आपको करना है ये इंजेक्शन लगाने के बाद, इसके बावजूद अगर आपका पशु हीट में नहीं आता है तो सबसे पहला काम आपने डिवॉर्मिंग करवा चुके हैं, आप मिनरल मॉइस्चर दे चुके हैं, आप विटामिन भी दे रहे हैं, आपने ओलोंटा किट भी यूज़ कर ली है, आपने टैबलेट और वेटमेट इंजेक्शन भी यूज़ कर लिया है और ये सब करने में आपको 2-3 महीने का समय पूरा पूरा लग गया है और अब आपके पास में कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं बचा है आपकी गाय के लिए, तो ये आखिरी ऑप्शन के तौर पे मैं आपको बता रहा हूँ। मेरी आप लोगों से गुजारिश है इसको रेगुलर बेस पे यूज़ करने की गलती कभी ना करें। ये एक ऐसा ऑप्शन है जो गाय लगभग 1 साल से या 9 महीने 10 महीने तक हीट में नहीं आई है उसको आप दे सकते हैं। इसका रिज़ल्ट आपको 72 घंटे में मिलेगा, मगर ये 72 घंटे में अच्छे रिज़ल्ट मिलने के कारण आप ये गलती ना करें कि इसको आप अपनी गाय को पहली बार में ही देते, पहले वो सारी 1, 2, 3, 4 स्टेप फॉलो करें, उसके बाद में यहाँ पर आप इस इंजेक्शन को लगाएं और इस इंजेक्शन को कभी भी आप अपने वेटरनरी डॉक्टर की सलाह के बिना बिल्कुल यूज़ ना करें और उन्हीं के द्वारा लगवाएं। मैं आपको बता देता हूँ इस इंजेक्शन का नाम है ल्यूटोलाइज इंजेक्शन। इसकी डोज 5 ml IM रूट से आपको देना है। अगर आपको ल्यूटोलाइज नहीं मिलता है, फिर से मैं बोल रहा हूँ ल्यूटोलाइज इंजेक्शन 5 ml IM रूट से आपको अपने वयस्क जानवर 400 से 500 किलो के जानवर को लगाना है। अगर आपका जानवर आपको ल्यूटोलाइज इंजेक्शन नहीं मिल पाता है उस कंडीशन में आप MSD कंपनी का एस्टिमेट इंजेक्शन केवल 2.5 ml लगाना है आपके 400 से 500 kg के पशु को IM रूट से, केवल IM रूट से। ध्यान रखिए ये इंजेक्शन कभी भी अपनी वेटरनरी डॉक्टर की सलाह करने के बाद ही यूज़ करें। इन दोनों इंजेक्शन का रिज़ल्ट आपको 72 घंटे में मिल जाएगा। ये वीडियो बनाने का मेरा मतलब यही है कि अगर आपके वेटरनरी डॉक्टर आपसे परिचित है और आप उनको सामने से ये इंजेक्शन के बारे में बताएंगे और उनको ये लगेगा कि आपकी गायों में ये समस्या है और ये इंजेक्शन लगाने से फ़ायदा हो सकता है तो वो ये इंजेक्शन लगाएंगे और ये इंजेक्शन आपको पक्का गारंटी है। मैं अपनी गायों को जो 10 महीने से हीट में नहीं आई, जो 2 साल के हीट में नहीं आई है, उन गायों को ये इंजेक्शन दिया हूँ और उससे गाय हीट में आई है। उम्मीद है आपको मेरे द्वारा दी गई पूरी जानकारी समझ में आ गई होगी और उम्मीद है कि आप इससे अच्छे परिणाम हासिल कर पाएंगे और कृपया कर मुझे कमेंट में बताएं आपको कौन से इंजेक्शन लगाने से या कौन सी दवा देने से आपके जानवर आपके पशु हीट में आए हैं, और अगर हीट में नहीं आए हैं तो भी मुझे कमेंट करिएगा। अगर कोई समस्या है तो भी मुझे कमेंट में बताइएगा। चैनल अच्छा लगे, वीडियो अच्छा लगे, रिजल्ट आपको मिले तो प्लीज़ आप मेरा चैनल सब्सक्राइब करिए और एक लाइक का बटन दबा दीजिए। थैंक यू, धन्यवाद।